अब हमारे मध्य भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पूनम महाजन जी संबोधन करेंगी। भारत माता की व्यवस्था कैसी थी? अधिवेशन ऐतिहासिक हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से हम विजय लक्ष्य का संकल्प लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम तैयार है कि नहीं तैयार है? मंच पर आसनस्थ, जिनके बारे में मैं कुछ पंक्तियां बोल के शुरुआत करूंगी, तजुर्बों ने शेरों को खामोश रहना सिखाया, तजुर्बों ने शेरों को खामोश रहना सिखाया, क्योंकि दहाड़ कर शिकार किया नहीं जाता। विरोधी भौंकते हैं अपने जिंदा होने का एहसास दिलाने के लिए। मैं वो पतंग चला रहे ना, यहाँ पर गाड़ी चला रहे ना टीआरएस वाले और वो एमआईएम वाले, खटी पतंग, उनको कहना चाहती हूँ, विरोधी भौंकते हैं अपने जिंदा होने का एहसास दिलाने के लिए, मगर जंगल का सन्नाटा, मगर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। ऐसे हमारे प्रगतिशील युवा भारत के चाणक्य इस यशस्वी देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष, हमारे शेर आदरणीय अमित भाई जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित रामलाल जी, आदरणीय मुरलीधर राव जी, तेलंगाना के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी, जेपी नड्डा जी, बंडारू दत्तात्रेय जी, किशन रेड्डी जी, सत्या जी, रामचंद्र राव जी, मेरे साथ युवा मोर्चा के मेरे महामंत्री सौरभ चौधरी, अभिजात मिश्रा, मधुकेश्वर देसाई, महिपाल रेड्डी, युवा मोर्चा के यहाँ के अध्यक्ष भरत गौड़, मेरी सारी युवा मोर्चा की टीम और यहाँ पे बैठे हुए, मैं अमित भाई के सामने दिखाना चाहती हूँ कि हमें चैलेंज था कि कुछ ही दिनों में हमें हैदराबाद में पहली बार सबसे बड़ा अधिवेशन करना है और युवा मोर्चा ने तय करना है कि विजय लक्ष्य 2019 ये युवा मोर्चा तय करेगा। और इस संख्या से पता चल गया है, ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। इस विजय लक्ष्य को देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहती हूं, भाजपा केवल एक राजनीतिक दल या पार्टी नहीं है, वो एक परिवार है, एक संस्कार है, एक संस्कृति है, सतत चिंतनशाली विचारधारा है। आज उस विचारधारा को लेके जिस प्रकार से पूरे देश भर के भूभाग में 70 से 75% भूभाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे चाणक्य अमित भाई शाह की वजह से संगठन की यह ताकत हुई है। मैं युवा मोर्चा के रूप से यही बोलना चाहती हूँ, गए 2 दिन से हम ये सतत प्रयत्न कर रहे हैं कि किस रूप से हमारा युवा उत्साही है, तैयार है, वायु की तरह आगे पीछे उछलता रहता है, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, लेकिन उसका भी लक्ष्य एक है, वो चाहता है कि हमारे सबके आदरणीय प्रधानमंत्री जो एक सूर्य की तरह है, जो खुद जलते हैं लोगों के लिए लेकिन अपनी जनता को पूरी तरह किरण देके उनकी जिंदगी बना रहे हैं, ये हमारी ताकत ऐसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मिले हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य जब हमारे सामने आता है तो हम पूरे विश्व में देखते हैं कि भारत का स्वर्णिम काल शुरू हो गया है। इस भारत के स्वर्णिम काल में युवा मोर्चा, भारत का युवा जो इस भारत की सबसे बड़ी संख्या है, वो आने वाले हर चुनाव में निर्णायक रूप से तय करने वाली है कि हमें एक अच्छी सरकार फिर से चाहिए, हमें फिर से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री चाहिए। उन युवाओं तक पहुंचने के लिए आज हम सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी विचारधारा जो अंत्योदय के विचार को ले जा रहे हैं, उस अंत्योदय का पूर्णत्व काम करना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ युवा मोर्चा का कार्यकर्ता करेगा। ये प्रण हमें यहाँ से ले जाना है। युवा देश का वर्तमान है, वो भूतकाल और भविष्य के बीच का सेतु है। हम प्रभु श्री राम के सेतु के बारे में हर वक्त कहते हैं। जब प्रभु श्री राम ने सेतु बांधने की शुरुआत की तो वानर सेना ने प्रभु श्री राम का एक एक पत्थर जय श्री राम कह के सामने रख दिया और वो सेतु लंका तक पहुंच गया। ऐसा ही हमें विकास का सेतु बनाना है,
ऐसा ही सेतु बनाए कि हम लाभार्थियों तक पहुंचे, जिस प्रकार से 24 घंटा सातों दिन हर वक्त, जिसका लंच टाइम डिनर टाइम नहीं होता, जो सुबह उठ के रात तक हर वक्त अपनी देश की चिंता करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हमें समर्पित करना है। ये विकास का सेतु, इस भूतकाल और भविष्यकाल में जुड़ने वाला युवा मोर्चा बनाने वाला सेतु, इसको हमें आगे ले जाना है। कांग्रेस है जो युवाओं को भ्रष्टाचारी बनाने की काम करती है, लेकिन भाजपा के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो स्वच्छाचारी विचारों को ले जाते हैं। आज हम हैदराबाद में हैं। हैदराबाद की क्या खासियत है? हम इस बहुत विशाल परेड ग्राउंड पे हैं, जहां पे हमारे वीर जवानों की यहाँ पे स्मृति यहाँ रखी है, उनको हम नमन करते हैं। क्योंकि जब वीर जवानों का सम्मान करने की बात आई तो हमारे सामने खड़े रहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो अपने जवान, किसान, युवा, महिला के सम्मान के लिए हर वक्त काम करते रहे। लेकिन इस हैदराबाद में जब हम आए, मुझे कहा गया कि हैदराबाद क्यों? ये एक चैलेंज था कि तेलंगाना के चुनाव का शंखनाद जब शुरू करना है तो वो हैदराबाद से ही हमें शुरू करना है, और आने वाले 2019 के चुनाव का जब शंखनाद करना है तो इस हैदराबाद से करना है। तो इस हैदराबाद को हम शुरुआत करके आगे बढ़ के इतना ही कहूंगी, तेलुगु प्रजालकु नमस्कारम, नाकु तेलुगु प्रजाला चाला गट्टी अनुबंधम उंदी, मा नानगारु तेलंगाना बिड्डा, नेनु आंध्र कोडल्ली, 2019 भारतीय जनता पार्टी विजय शंखरावम मी मध्य नुंची पुरिचडम नाकु चाला संतोषगा उंदी, मी अंदरी आशीर्वादम उंटनी भाविस्तुनानु, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सारी यहाँ पे बैठी हुई प्यारी जनता, इतना ही कहना चाहती हूँ, एक विकास पुरुष, एक प्रधान सेवक जिसने पीला फूल से बचपन में लिखी हुई कहानी एक बच्चे को शिक्षित करने के लिए काम आई। पीला फूल से उस प्रधान सेवक ने कहानी लिखी, उसको, इस बच्चे को शिक्षित करने की वो काम आई, और आज कमल के फूल को खिलाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सामने खड़े हैं, और उनके हाथ मजबूत करने के लिए हम तैयार हैं, तैयार हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूं, आज सुबह हमने मन की बात सुनी, हमने देखा कैसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी मन की बात से आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने से बात की। मन की बात ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं तो कहते हैं मन की बात, और जब चांडाल चौकड़ी के पप्पू राजा की नाम लेते हैं तो कहते हैं गंदी बात, जब राहुल गांधी का नाम निकलता तो क्या निकलती है? ऐसी स्थिति हमारे सामने है। हम जानते हैं कि देश के टुकड़े करने वाले बहुत छोटे छोटे नीच लोग आज विरोधियों के साथ मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम देश में एक सत्ता चलने नहीं देंगे, देश का विकास होने नहीं देंगे। लेकिन हम देखते हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कि कैसे एक देश का यह विकास रोकेंगे। आज कोई भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई को रुकाने की कोशिश करेगा तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अपनी छाती आगे लेके लड़ेगा, लड़ेगा कि नहीं, और वो लड़ेगा और आगे बढ़ेगा। आज हर एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, हर बूथ में युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, हर यूथ कमल खिलाएगा, हर बूथ कमल खिलाएगा, हर पन्ना प्रमुख युवा मोर्चा का रहेगा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ, इस विजय लक्ष्य को, इस मां भारती के स्वर्णिम काल को देखते हुए मैं कुछ नारे बोलना चाहती हूँ। स्वच्छ भारत से मनोरम भारत हम देखना चाहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटियों की प्रगति का भारत देखना चाहते हैं, मातृत्व सुरक्षा से सशक्त भारत देखना चाहते हैं, आयुष्मान भारत से स्वस्थ भारत देखना चाहते हैं, उज्ज्वला से उजाले का भारत देख रहे हैं हम, जनधन से खुशहाली का भारत देख रहे हैं हम, उड़ान से उन्नत भारत देख रहे हैं, ग्राम ज्योति से गतिमान भारत देख रहे हैं, कौशल भारत से कुशल भारत देख रहे हैं हम, मुद्रा योजना से सबल भारत देख रहे हैं हम, स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया से स्ट्रॉन्ग भारत देख रहे हैं हम, मेक इन इंडिया से उद्योगशील भारत देख रहे हैं हम, अटल पेंशन से आत्मनिर्भर भारत देख रहे हैं हम, ग्राम सड़क योजना से एकत्रित भारत देख रहे हैं हम,
डिजिटल से नए सपनों का भारत देख रहे हैं हम, सर्जिकल स्ट्राइक से निर्भय भारत देख रहे हैं हम, और न्यू इंडिया से विश्व गुरु भारत हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर्ण कमलों से उनकी ताकत से देख रहे हैं हम। मित्रों, आज ये ऐतिहासिक युवा मोर्चा की सबसे बड़े महाधिवेशन में आप सब आए, मैं फिर से आपको नमन करना चाहती हूँ, वंदन करना चाहती हूँ कि ये ऐतिहासिक अधिवेशन आने वाले समय में जब हम प्रण लेंगे तो सालों साल युवा मोर्चा का विजय लक्ष्य 2000 अधिवेशन याद रखेंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में चुनाव का आज शंखनाद हमारे आदरणीय अध्यक्ष अमित शाह जी करने वाले हैं। उस चुनाव का बिगुल बजाते वक्त मैं इतना ही कहूंगी कि कमल की हर एक पंखुड़ी कांग्रेस के हाथ पे, कमल की हर एक पंखुड़ी कांग्रेस के हाथ पे, टीआरएस के कार पे, एमआईए के पतंग पे भारी होगी। कमल की हर एक पंखुड़ी कांग्रेस के हाथ पे, टीआरएस के कार पे और एमआईएम की कटी पतंग पे भारी होगी। आज दिन तुम्हारा है विरोधियों, 11 दिसंबर की सुबह तेलंगाना में हमारी होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। मैं इतना ही कहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, धन्यवाद।